बॉस का गेम कुछ ऐसा होता है कि प्रोफेशनल के साथ साथ कंटेस्टेंट के पर्सनल लाइफ की भी बैंड बज जाती है। बिग बॉस का इतिहास उठाकर देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि कंटेस्टेंट की पर्सनल लाइफ शो के जरिए सबके सामने होती है, जैसा कि मुनव्वर फारूकी के साथ हुआ था। अब लगता है इस सीजन में भी कुछ ऐसा ही धमाल होने वाला है, क्योंकि किसी का पास्ट लेने वाला है वाइल्ड कार्ड एंट्री। जी हाँ, अब वाइल्ड कार्ड अगर एंट्री हो रही है तो ऑडियंस को उम्मीद भी शो को लेकर थोड़ी वाइल्ड हो जाती है। वैसे बात करें शो की तो बिग बॉस के घर में शो के शुरू होने के एक महीने बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है कंटेस्टेंट्स की। लेकिन सलमान खान के बिग बॉस सीजन 18 में हमें कई नए ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। इस शो के लॉन्च में ही बिग बॉस ने दो फाइनलिस्ट की अनाउंसमेंट कर डाली है। अब जल्द ही शो में एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री हो सकती है। सलमान खान के बिग बॉस 18 शुरू होने से पहले ही दो कंटेस्टेंट को टॉप टू फाइनलिस्ट अनाउंस कर दिया गया है। विवियन डिसेना और एलिस कौशल बिग बॉस 18 के फाइनलिस्ट बन चुके हैं, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। इन फाइनलिस्ट के लिए भी बिग बॉस का ये सफ़र आसान नहीं होगा, और इस सफ़र को मुश्किल बनाने के लिए बिग बॉस अपने घर में एक ऐसी कंटेस्टेंट को शामिल करने जा रहे हैं जिन्हें देख विवियन डिसेना की परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल बिग बॉस 18 के घर की इस साल की थीम है समय, और ये समय भूत वर्तमान और भविष्य के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। सोर्सेस से मिली जानकारी के मुताबिक इस थीम को मेकर्स कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं, और इसलिए विवियन डिसेना की पहली वाइफ वाहबीज दोराबजी को बिग बॉस में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। हालांकि इस बारे में अब तक चैनल और वाहबीज की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन अगर वाहबीज इस शो में एंट्री करती हैं तो ऑडियंस को विवियन का इस शो में पूरी तरह से अलग चेहरा देखने को मिल सकता है। 11 साल पहले यानी 2013 में विवियन डिसेना ने अपनी कोस्टार वाहबीब दोराबाजी से शादी की थी। इन दोनों ने एकता कपूर के सीरियल प्यार की एक कहानी से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस सीरियल में विवियन वैम्पायर अभय रायचंद बने तो वाहबीज शो की लीड एक्ट्रेस सुकृति कांडपाल की बड़ी बहन का रोल प्ले कर रही थी। स्टार वन के सीरियल के सेट पर वाहबीज और विवियन की लव स्टोरी शुरू हुई। वाहबीज विवियन से 3 साल बड़ी हैं। दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई थी, लेकिन ये शादी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई और शादी के 8 साल बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। वाहबीज से तलाक के बाद विवियन ने अपने फैन और विदेशी जर्नलिस्ट नूरान अली से शादी की है, और अब इन दोनों की एक बेटी भी है। शादी करने से पहले विवियन ने अपना धर्म बदलते हुए इस्लाम कबूल किया था। वेल, विवियन से जुड़े इस वाइल्ड कार्ड एंट्री पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनएन बॉलीवुड एंड न्यूज नेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज नेशन। अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।